हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली मेरा एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो अभी रिपीट करना चाहते हैं नीट को दोबारा, नीट 2023 के लिए। एंड ये जो वीडियो है इसको आप ये डायरेक्शन में बिल्कुल भी मत लीजिए कि शायद मैम को ऐसा लगता है कि अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो हमें फिर से उनके यहाँ पर एडमिशन करनी चाहिए, शायद इसलिए मैम हमको ये सजेशन दे रहे हैं। ये बात फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इस वीडियो का आप सिर्फ एक फ्रेंड का सजेशन इस तरीके से आप लीजिए। देखिए, पिछले कई साल से ये मेरा कैलकुलेशन रहा है, एनालिसिस रहा है कि जितने भी बच्चे अपने वर्धा से रिपीट करने के लिए बाहर गांव जाते हैं, जितने भी जाते हैं, हार्डली 1% बच्चों को सक्सेस मिल पाता है। पिछले साल भी अपने यहाँ से बहुत से बच्चे गए थे, नांदेड़ गए, नागपुर गए, इधर उधर गए हैं। इस साल वो सब मेरे कॉन्टैक्ट में है, किसी का भी नंबर नहीं लग रहा है। बिलीव मी, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं पिछले साल के जो थे, जो गए थे, उन्होंने एक साल वहाँ पे जाके रिपीट किया, लेकिन इस साल अभी उनका स्कोर नहीं आया है। ओके, नांदेड़, नागपुर, कहीं पर भी जाओ आप, 7, 8, 9, 10, 10,000 बच्चे आपको मिनिमम वहाँ पे मिलेंगे। 10,000 मिनिमम रहते हैं, एक बैच में 400-500 बच्चे रहते हैं। उनको आपसे क्या लेना देना है मुझे बताओ? आप वहाँ पे जाके टेस्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे? सबसे पहली बात तो आपके पास में टाइम इतना कम बचा है, ओनली यू आर हैविंग 9 मंथ्स। जहाँ पे अगर बाहर गांव जाते हैं तो वहाँ पे जाके सेटल होने में ही 1-2 महीने आपके निकल जाएंगे। जाने के बाद वहाँ पे 8-8 घंटे आपको क्लासेस करने हैं। कोई लेना देना नहीं उनका कि आप टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे। अगर आपका टेस्ट में स्कोर कम आता है तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हारा टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है। आपका अगर टेस्ट में स्कोर कम आता है, डायरेक्ट वो आपको उनके दूसरे बैचेस में डाल देते हैं। जिनका स्कोर अच्छा आएगा उनको आपको वो उनको स्टार बैच में रखेंगे। अगर आपका स्कोर वहाँ पर जाके अच्छा आता है तो मेरी बात बिल्कुल याद रखिए कि वो स्कोर उनकी वजह से नहीं होगा, वो स्कोर सिर्फ आपकी वजह से होगा, जो कि आप वर्धा में भी अगर रहते हैं तो भी आएगा। क्योंकि जब आप रिपीट करते हैं तब बस ये मैटर करता है कि आपके डाउट्स आप कितने अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो गलतियाँ 2 साल में हो गई हैं उनको आपको नहीं दोहराना है। ये सारी चीज़ें रिपीट में आपको काम में आती है। ये गला फाड़ फाड़ के मैं मतलब काय मराठीत म्हणून ना जीवाच्या आकांतानी दरवर्षी पोरांना सांगत असते, पण नाही ऐकत पोरं। आणि जेव्हा जातात आणि तेव्हा जेव्हा गेल्यावर 2-3 महिन्यातच माहीत पडते की आपण वर्धेलाच चांगलं होतो, इथे आल्यावर कोणीही विचारत नाही। आणि तिथे गेल्यावर जर तुम्ही त्यांच्याकडे त्यांच्या स्टार बॅचमध्ये आहे, याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या चुका सुधारलेल्या आहात अँड यू आर ऑलरेडी अ स्टार। वो उनकी वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से कि आप अच्छे ट्रॅक पे गए हैं। सो व्हाय टू वेस्ट युअर मनी? अगर आपका नंबर लगना है रिपीट में तो वहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, आपको जस्ट डाउट सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ों की गरज है। याद रखिए, 2 ही चीज़ें रिपीट के लिए चाहिए, डाउट सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस। उसके अलावा तीसरी कोई भी चीज़ रिपीट करने में काम में नहीं आती है, माइंड माय वर्ड्स। और अगर फिर भी ये सब बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जाना ही है, यू कैन गो, माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। वहाँ पे कभी भी कोई भी हेल्प लगती है यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। ऐसा नहीं कि मैम ने वो वीडियो डाला था, मैसेज डाला था, अभी हम और फिर कैसे कॉल करेंगे, ऐसा मत सोचना। कभी भी आपको कोई भी अगर हेल्प लगती है, सो आई एम देयर ऑलवेज विथ यू, यू कैन कॉल मी, कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। ओके, बट फिर भी पेरेंट्स के कमाए हुए इतने मेहनत से जो पैसे रहते हैं वो जस्ट 9 महीने के लिए वहाँ पे जाके बर्बाद करके आना, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप में सच में ताकत है, सच में अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप चाहे नांदेड़ रहे, नागपुर रहे, अकोला रहे, मुंबई पुणे रहे, वर्धा रहे, आपका सिलेक्शन होगा। और इसके बहुत सारे एग्जांपल वर्धा में अपने यहाँ के बच्चों ने सेट किए हैं, आपको उनके नाम भी पता है कि कितने लोगों ने रिपीट करके अपने यहाँ से GMC में नंबर लगाया है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो आप ज़रूर लगेंगे, और कैपेबिलिटी नहीं है तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कोई जादुई मंत्र नहीं देता, गुरु मंत्र नहीं देता है। जो आपने 2 साल यहाँ पे किया ना वही सब वहाँ पे जाके रिपीट होने वाला है। ओके, बस सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके डाउट्स और आपकी प्रैक्टिस पर। तो डाउट एंड प्रैक्टिस अभी आपके ऊपर है कि आपको वो कहाँ पे करना है, ठीक है। पर मेरा तो फुल फाइनल एंड तक की यही सजेशन रहेगा कि रिपीट में खुद को टाइम देना ज़रूरी है। किसी का टाइम आपको नहीं चाहिए, खुद को टाइम दो, खुद की गलतियाँ सुधारो, खुद के लैक्स ढूंढो, उस पर प्रैक्टिस करो, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो कि मैंने क्या सोच के इस क्वेश्चन का आंसर टिक किया था, अगर आंसर के में ये करेक्ट है तो ये किस तरीके से करेक्ट है। ये सारी चीज़ें करने में आपको पिछले 2 साल में टाइम नहीं मिला, बिकॉज यू वेर एंगेज इन योर क्लासेस,
टेस्ट, क्लासेस टेस्ट, एनालिसिस का टाइम नहीं मिला, जो अभी आपको मिल रहा है। लेकिन अभी भी आप कहीं और जाके वहाँ पे सेटल होके वहाँ पे 8-8 घंटे क्लासेस करके अगर टाइम बर्बाद करेंगे, बिलीव मी बहुत कम चांसेस बचेंगे आपके सिलेक्ट होने के। ओके, सो इसको एज अ सजेशन करके लीजिए प्लीज़। ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं है कि वर्धा में रहो, मेरे पास में आओ, घर पे बैठ के करो ना, घर पे बैठ के करो, किसी टीचर के पास मत जाओ, घर पे बैठ के करो। बस टेस्ट सीरीज़ के लिए आप कहीं चले जाना, कहीं चले जाना, मेरे पास नहीं, टेस्ट सीरीज़ के लिए कहीं चले जाना, पर मेरी बात सुनो आप, पैसे वेस्ट मत करो, कोई भी आउटपुट नहीं निकलेगा, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। आउटपुट निकलता भी है ना तो वो सिर्फ आपकी वजह से निकलेगा, कोई अकोला, नांदेड़, नागपुर किसी वजह से नहीं निकलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।